हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन वो अपने पीछे याद के तौर पे फिल्म दिल बेचारा छोड़ गए। उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा के ट्रेलर को 6 जुलाई को रिलीज करने का ऐलान किया गया था। वहीं आज सुबह से ही लोग इस ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब दिल बेचारा का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। इस ट्रेलर को देखकर अगर कहे कि सुशांत सिंह राजपूत की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने सारी लाइमलाइट लूट ली है तो गलत नहीं होगा। सुशांत के निधन के यूं उनकी फिल्म और ट्रेलर की रिलीज उनके फैंस के आंखों में एक बार फिर आंसू लाने वाला पल है। बता दें, इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट संजना सांघी है। संजना इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं। यह फिल्म काफी लंबे वक्त से रुकी हुई थी। फिल्म को इस साल थिएटर में रिलीज होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के चलते इसे रोक दिया गया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद इसे डिजिटल रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म के मेकर्स चाहते हैं कि यह बेहद खास हो। दिल बेचारा के ट्रेलर को लेकर फैंस ने एक खास इच्छा रखी है। फिल्म के ट्रेलर को लेकर सुशांत के फैंस चाहते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म जीरो को भी पीछे कर दे। शाहरुख और अनुष्का शर्मा की फिल्म जीरो के ट्रेलर को 127 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया था। यही वजह है कि फैंस दिल बेचारा के ट्रेलर को ज्यादा हिट होने की उम्मीद कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा हॉलीवुड फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की रीमेक है। फिल्म में सैफ अली खान भी एक छोटी सी भूमिका में नजर आएंगे। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट एक्ट्रेस संजना सांघी नजर आ रही हैं। ये फिल्म दो कैंसर पीड़ित लोगों की कहानी है जो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। फिल्म की कहानी अमेरिकन रोमांटिक ड्रामा द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की हिंदी रीमेक है। फिल्म में सुशांत और संजना की केमिस्ट्री बेहद खूबसूरत है और ट्रेलर देखकर ये साफ है कि इस फिल्म में इमोशंस और रोमांस का खूबसूरत मेल है। फिल्म के इमोशनल सीन इतने पावरफुल हैं कि कैरेक्टर के साथ आपकी भी आंखें नम हो सकती है। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।